जी, मेरी गाड़ी दोबारा आप लाइट फॉर में आ गई है, ठीक है, और नंबर उतर चुका है दोबारा से। इसकी वजह मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। बहुत मज़े की स्टोरी है। जैसे नई नकोर जैसे होती है ना, नई जीरो मीटर, जीरो मीटर हो गई है। एक एक्सट्रीम भी होगा, उससे दो आपके जिंगर स्टैकर कॉम्बो में और एक आपका। हाँ जी, सेपरेट। अच्छा, और कोई न्यू आइटम है कोई आपके पास? जिंगर सुपर चार्जर। चलें, एक जिंगर सुपर चार्जर कर दें। ओके सर, इसके अलावा बताइए बस। एक्स्ट्रा पेमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे अपनी ज़िंदगियों में, अपनी ज़िंदगियों में मस्त होंगे। आपको खुशामदीद मेरे व्लॉग में। जैसे आपको पता है कि मैंने ली थी नई सुजुकी ऑल्टो, 2500 तकरीबन मेरी गाड़ी चल चुकी है, और अभी कुछ इंजन के अंदर कोई साउंड्स वगैरह आ रहे हैं, मुझे नहीं पता चला, शुरू से आ रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ सुजुकी बहावलपुर मोटर्स, वहाँ जाके चेक कराते हैं गाड़ी कि क्या मसला है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दें। जब मैंने चलाई दूसरी ऑल्टो, मतलब सेम मॉडल की, सेम ईयर की ऑल्टो चलाई, और पुरानी मॉडल की भी ऑल्टोज चलाई हैं, मतलब 2021-22, उनमें इंजन की वॉइस इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि मैं अपनी चलाता हूँ तो इतना ऐसे जैसे कि मैं किसी ट्रक के अंदर बैठ गया हूँ, इतनी आवाज़ देता है। शायद आपको भी अभी भी आ रही हो ये आवाज़ इंजन की। ये देखिए, किया तो आवाज़ आई है। ये चल के चेक कराते हैं क्या इशू है, और देखेंगे फिर इंशाल्लाह ताला कुछ भावलपुर आए और कुछ मैकडॉनल्ड्स, कुछ KFC वगैरह ना खाएं तो क्या, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो जल्दी जल्दी आपने सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्लॉग इन्जॉय कीजिए। कि भावलपुर मोटर्स सर्विस एंड पार्ट्स में जाएंगे हम, ये यहाँ पर इसके अंदर। गाड़ी हमारी चेक हो रही है, हवा लगाई जा रही है, इंजन देखते हैं इंजन में क्या इशू है। ड्राइविंग टेस्ट ले लिया है उन्हें, उन्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया कि क्या मसला है, चेक करते हैं फिर देखते हैं क्या इशू है। यहाँ पर ऊपर लगी हुई है और नीचे कोई नहीं है, मैं वेटिंग रूम में मुझे भेज दिया गया था। तो मुझे उन्होंने कहा है जी कि आप फिटिंग लाउंज में बैठें, तो वो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है, उसने उसे समझ आ गई है कौन सा इंजन कहाँ से वॉइस आ रही है। तो उसने गाड़ी खोली हुई है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाऊंगा जब मैं वापस जाऊँगा, तो गाड़ी ठीक होती है फिर आप सुनते हैं। 3 hours later
कंपनी ने मुझे क्लेम नहीं दिया और जो भी फॉल्ट था वो सॉल्व तकरीबन हो गया है। नई गाड़ी बनाई सुजुकी वालों ने और गियर ऑयल डालना भूल गए हैं, इसकी वजह से मेरी गाड़ी का इंजन नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो अभी उन्होंने इंजन जो गियर ऑयल है वो चेंज किया है, मतलब दोबारा रिफिल किया है उसके अंदर। अब देखते हैं कोई प्रॉब्लम, टेस्ट ड्राइव उन्होंने ली है, मैं भी साथ गया हूँ, आवाज़ कम हो गई है, ख़त्म हो गया तकरीबन। अभी मैं चलाता हूँ, चलाऊँगा गाड़ी तो पता चलेगा। फिर कोई हुआ तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ से गाड़ी आपने ली है उन्हें आप चेक कराएं और उनसे ही आप कराएं, क्योंकि गाड़ी मैंने देखी एक लोकल वेंडर से की जो ये डीलरशिप है इससे वो नहीं गाड़ी मैंने ली, इस वजह से उन्होंने मुझे कोई क्लेम नहीं दिया। अभी बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। और मैंने आपको एक पहले बताया था कि एक आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाऊँगा। रजिस्ट्रेशन जो मेरी गाड़ी की वो हो चुकी है, अब आपको वो बताता हूँ। गाड़ी का नंबर भी लग गया था शायद, आप मैंने गाड़ी लगाई है तो आपने वहाँ गाड़ी का नंबर लगा हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा जी। मेरी गाड़ी दोबारा लाइट फॉर में आ गई है, ठीक है, और नंबर उतर चुका है दोबारा से। इसकी वजह मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊँगा, बहुत मज़े की स्टोरी है। जी तो सुजुकी से हम फारिग हो गए हैं, सुजुकी मोटर्स ने हमारा जो मसला था वो सॉल्व कर दिया। सॉल्व ये था कि जब गाड़ी बनी तो सुजुकी वाले इसके अंदर जी गियर ऑयल डालना भूल गए और उस वजह से गाड़ी आवाज़ कर रही थी काफ़ी सारी। अब आवाज़ तकरीबन ख़त्म हो जाएगी जैसे जैसे ऑयल रनिंग में जाएगा, तो आवाज़ ख़त्म होता जाएगा। अभी मैंने आपको बताना था कि मेरे साथ एक इशू पेश आया, ठीक है जी। तो गाड़ी का नंबर लगवाया मैंने, गाड़ी का नंबर लग गया, मैंने ओरिजिनल प्लेट्स अभी तक आई नहीं थी, मैंने जी मार्केट से नंबर प्लेट्स बनवा के लगवा ली। कल जब मैं बहावलपुर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक्साइज वालों ने जी रोका, तो उन्होंने कहा जी आप किधर, मैंने कहा क्या हुआ जी, तो उन्होंने कहा जी आप जी एक दूसरी गाड़ी का नंबर लगा के घूम रहे हैं। मैंने जी तो खुद रजिस्ट्रेशन कराई, फिर मैंने उन्हें रसीद वगैरह दिखाई जो मुझे उन्होंने भेजी रसीद, और उसके बाद जहाँ से नंबर मैंने लगवाया उन्हें किया मैंने मैसेज। तो जी एक्साइज की इतनी बड़ा ब्लंडर हुआ कि एक्साइज वालों ने दो गाड़ियों को सेम नंबर दे दिया जी, मेरी गाड़ी को और एक होंडा वेजर है जी सियालकोट का कोई ओनर है उसकी, इन मेरी ऑल्टो को और उस होंडा वेजल को जी एक ही नंबर लग गया। तो अभी नंबर प्लेट सुजुकी वालों ने उतार दिए हैं और उन्होंने अप्लाइड फॉर का लगा दिए हैं, अब जाएंगे वहाँ पर तो नया नंबर इशू करवाएंगे और फिर देखेंगे क्या बनता है। सो दिस वाज द ब्लंडर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें और अब चल के गाड़ी वॉश कराते हैं। अप्लाइड फॉर हुई है तो गाड़ी को भी अप्लाइड फॉर ही दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी गंदी हुई हुई है तो वो साफ सुथरी हो जाएगी गाड़ी। ये क्या है, ये फिर शैम्पू है, बंद हो गई मशीन और मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, फिर चलना शुरू हो गया साइडों से। नई नकोर जैसे होती है ना, नई जीरो मीटर हो गई है, सर्विस हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे दोबारा से मैंने नई गाड़ी ले ली है। इतनी उन्होंने
सफाई की है ना गाड़ी की, और अभी भूख लग रही है, नाश्ता भी मैंने नहीं किया सुबह सुबह, जल्दी जल्दी मैं निकल गया था, क्या कहते हैं के लिए काम करवाना था, तो चल के कुछ खाते हैं, KFC खा लेते हैं या कुछ और, मैकडोनल्ड्स यहाँ से काफ़ी दूर है, सो KFC खाते हैं, और KFC खा के फिर चलते हैं, फिर आज ही मैं वापस गाँव जाऊँगा। सो KFC। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा करें, दो जिंगर स्टैकर मील कर दें, ओके, और एक आप साथ में कर दें क्रंच बर्गर, ओके, इसके अलावा, और इसके अलावा ना एक आपके वो ड्यू बॉक्स होता है कोई आपका, एक्सट्रीम ड्यू बॉक्स होता है, हाँ एक वो कर दें, एक एक्सट्रीम ड्यू बॉक्स है, दो आपके जिंगर स्टैकर कॉम्बो में, और एक आपका, हाँ जी सेपरेट। अच्छा, और कोई न्यू आइटम है कोई आपके पास? जिंगर सुपर चार्जर, चले एक जिंगर सुपर चार्जर कर दें, बस ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। इधर मैं ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा हमने ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं कि इनका जो नया सुपर चार्ज बर्गर है वो कैसा है और टेस्टी है कि नहीं है। बाकी इनके मुझे, मैं जब भी आता हूँ या केंटकी खाता हूँ इनका, या इनका वो स्टैकर बर्गर, अभी सुपर चार्ज भी ऑर्डर किया है और हमने स्टैकर भी ऑर्डर किया, देखते हैं इनमें से मज़े वाला कौन सा बर्गर है। ऑर्डर आ गया है यहाँ पर, और अभी मैं निकल रहा हूँ, घर जाते हैं, और फिर वहाँ पर आपके लिए एक नया व्लॉग, वहाँ शूट करना है, और वहाँ चल के ये खाते हैं, खा के भी ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। सो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे दुआओं में याद रखना है आपने, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।